नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा फिलहाल इस समय चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति में रोज कुछ न कुछ ट्विस्ट सामने आ ही रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में एक साल में दो पार्टियों का टूटना हुआ, यानी दो पार्टियां जो है बिखर गई, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के विरोधी विपक्षी निशाने पर विपक्ष थे। क्या इससे हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और क्या होगा इन दोनों पार्टियों का, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। जानेंगे कि इन दोनों पार्टियों का भविष्य क्या है, यानी शिवसेना और एनसीपी का भविष्य क्या है। उबाठा, शिवसेना उबाठा और समाजवादी और शरद पवार एनसीपी। हाँ, एनसीपी जी। सर, मैं थोड़े सवाल आपसे पूछ के फिर मेरी राय दूंगा। एक साल पहले उद्धव की पार्टी टूटी जी, उनको चुनाव आयोग ने सम्मति दे दी, उनका चिन्ह और नाम भी दे दिया एकनाथ शिंदे जी को। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स तो बहुत पास किए जी, मगर उसका जो निचोड़ निकाला उसमें ये सरकार को कायम रखा जी। तो मतलब फिर कमेंट्स को कोई मतलब ही नहीं था, नहीं रहा। टाइम पास ही हुआ, एक साल टाइम पास ही हुआ। वही हम लोग बोल रहे थे कि भाई कमेंट्स को कोई ये नहीं है जी। ये निचोड़ क्या है उसका, तो सरकार कायम रही जी। अभी ये जो इनकी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें अभी बराबर वही नमूने पे चल रहा है कि ये बोल रहे हम ओरिजिनल, वो बोल रहे हम ओरिजिनल, ये हो रहा है। सर, मुझे बताइए कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में से मैं आज आपको परेशानी में डालने वाला हूं, मेरा एनकाउंटर करेंगे आप। सर, मुझे बताइए कि आज की तारीख में जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जी, महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है पॉलिटिकल जी, और लोगों की स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसमें शरद पवार नंबर वन है या उद्धव ठाकरे नंबर वन है? सर, दोनों का भी नंबर ही नहीं है कोई। नहीं, ऐसा नहीं। दोनों में आपको कंपेयर करने को बोला तो आपको एक तो बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का कुछ नहीं है करके। नंबर कहाँ, कैसे नंबर? नहीं, नंबर मतलब शरद पवार की ज्यादा चलेगी या उद्धव की ज्यादा चलेगी? सर, अगर हम बात करेंगे मराठी मानुष और मुंबई मानुष के हिसाब से अगर कहेंगे, तो वाठा आज भी दोनों में सरस है, और पवार साहब की राजनीति के चाणक्य की नीति हिसाब से कहेंगे तो वो नंबर वन है। तो दोनों को नंबर वन देना उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों का कोई नंबर नहीं है, तो मैं कैसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ किस मामले में नंबर वन किसको बोलूं मैं। नंबर वन का मतलब ऐसा है कि कल अगर चुनाव होते हैं जी, और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि बाकी सब कोई पार्टी नहीं है, और उबाठा और राष्ट्रवादी जी शरद पवार जी की, ये दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी है। ये होगा नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर खड़ी है तो शरद पवार के ज्यादा लोग चुन के आएंगे जी, या उद्धव के चुन के आएंगे? सर, आपने 2019 का विधानसभा चुनाव देखा होगा आपने, दोनों भी एक भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी, एक कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, और दोनों का अगर देखा जाए तो रिजल्ट लगभग बराबरी पर था, यानी शिवसेना का 56 था और राष्ट्रवादी का 54 था, दो का डिफरेंस था। अब दोनों में से 40-40 फूटे हैं बराबर, तो 12-15 दोनों में भी हैं अभी। तो अगर हम चुनाव की बात करें, अगर आज की तारीख में अगर खाली इन दोनों को लड़ाया जाए, हाँ, तो सर अगर इसमें पवार साहब मेरे ख्याल से सरस पड़ सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी हमने एक हाइपोथेटिकल लाइक ऐसे कल्पना की है जी, 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 जो कल्पना प्रत्यक्ष में नहीं है जी, कि भाई ये दोनों ही लड़ने को उतरे। हाँ, और 288 सीट्स है दोनों को दे दिए, दोनों 288 सीट लड़ रहे हैं, तो पवार साहब की कितनी आएगी और इनकी कितनी आएगी, इस सवाल का मेरा जवाब जी, मेरे तजुर्बे के अनुसार 50-55 साल से मैं दोनों को देख रहा हूँ। मैं शरद पवार का पीए करके भी काम किया हूँ, 3 साल तक उनके साथ था, इनके साथ तो 7.5-8 साल रहा, ये फैमिली के साथ, ठाकरे फैमिली के साथ, तो लंबा तजुर्बा है मेरा इनके बारे में। सर, 288 में से जी 125-200 सीटें उद्धव को मिलेगी, और पवार साहब को 80-90 तक मिलेगी, लगभग 1/3। इतना फर्क डाल दिया आपने, 1/3 बोल रहा हूँ, 1/4 ही बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट। सर, शरद पवार के बारे में मराठी आदमी के मन में
कोई आत्मीयता नहीं है, कोई भावना नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ, कोई सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये शरद पवार जो है वो उलट पलट कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर विश्वास रखा नहीं जा सकता, ये किसी को भी कभी भी टांग मार सकते हैं और ये कभी भी किसी का विश्वासघात कर सकते हैं, अपनों का भी कर सकते हैं और परायों का तो करेंगे ही जी। और बड़े बड़े नेताओं को आज तक इन्होंने ऐसे ही ये करने में ही भूषण माना है कि मैंने इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, मतलब फंसाया जी, उल्लू बनाया, सौम्य शब्द में, संजय का शब्द यूज नहीं करूंगा मैं, उल्लू बनाया वगैरह वगैरह। और अभी भी उनका वो अहंकार है कि मैंने वो जो अभी पहले नहीं बोले जी, पहले तो बोले कि ये अजीत दादा ने परस्पर किया, हाँ, बाद में बोलते हैं मैंने जानबूझकर दो चीजें दिखाना था, एक तो राष्ट्रपति राजवट को मुझे हटाना था और दूसरा दिखाना था कि ये देखो ये किसी के साथ भी जाने को तैयार है, भाजपा वाले कितने अनितिमान है, तो इसके लिए मैंने एक गेम किया था। तो तुम उस समय नहीं बोले, उस समय तो कैसे दिखाया कि तुम क्रोधित हो गए हो, वो ये है, उनको मना के वापिस ला रहे हो, इसलिए अजीत दादा शांत थे, उनको मालूम था ये इनका डबल गेम है, डबल गेम है। और फडणवीस साहब ने भी उस दिन बोला, हाँ फडणवीस साहब ने तो उनको एक्सपोज कर दिया, आज भुजबल ने भी एक्सपोज कर दिया कि ये डबल गेम ही करते हैं जी। सर ऐसे डबल गेम करने वाले एक 82 ईयर आदमी के साथ जनता नहीं रहना चाहेंगी, ये जो अभी सब जगह आपको दिख रहा है ना, कल भी उन्होंने भीगते हुए फोटो निकाला है, नहीं नहीं ये जो खेल है ना, ये खेल, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है पवार साहब की जी, जो चल रहा है वो इवेंट मैनेजमेंट है, उनके पास भी पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, वो अरेंज कर सकते हैं। और उनमें एक ऐसा वर्ग रहता है कि जिसको मालूम है कि अभी जो अजीत दादा के साथ गए हैं उनके पास से, अजीत दादा के पास से उनको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, टेंडर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, हमको तो नहीं मिलेंगे क्योंकि दादा के गुड बुक्स में हम है नहीं, नहीं, नहीं। तो अपने को पर्याय क्या है, चलो इनके साथ जाते हैं, कम से कम एक कपाल पे टीला रह गए, बहती हुई गंगा में हर कोई जाना चाहता है। हाँ ये बहती गंगा नहीं है, ये बहती पवार बहती गंगा नहीं, अटार गंगा है, अजीत पवार, हाँ अजीत पवार बहती गंगा, ये अटार गंगा है। तो इसके लिए वो वहां पे है। और अभी ये देखो ये भी मजाक हो रहा है सर, मैं वो रोज किसी यात्रा के दृश्य देखता हूँ, हर एक मंदिर की एक यात्रा निकलती है, लाखों लोग जी। सर भुजबल की सभा नासिक में हुई, सभा हुई, ये शोभा यात्रा निकली, लाखों लोग, पवार के लाखों लोग, अजीत दादा के लाखों लोग, लोगों को क्या धंधा नहीं है क्या आजकल, ऐसा ही लगता है। कोई भी यात्रा हो, जात्रा हो, शोभा यात्रा हो, किसी का फडणवीस की सभा लाखों लोग, इसके छिंदे की सभा लाखों की, अभी ये लाखों लोग जो है इतने आते कहाँ से है, क्या किसी को टाइम, कोई काम नहीं है क्या, धंधा नहीं है क्या। तो सर वो बात छोड़ो, वो कितने लोग कलेक्ट हुए वो बात अलग है, मगर एक 82 इयर्स ओल्ड आदमी का भवितव्य ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल का है, जबकि अजीत दादा का भवितव्य अगले 30-35-40 साल का है जी। और उद्धव भी करीबन करीब उसी उम्र का है, मगर अभी हम अजीत दादा के और उद्धव की नहीं लड़ा रहे हैं, हम शरद पवार की और उनकी लड़ा रहे हैं। सर ऐसा बोलने को जाओ ऑनेस्टली तो उद्धव ने विश्वासघात एक बार किया जी, वो जब बीजेपी के साथ वो चला गया, अपना ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ चला गया और मुख्यमंत्री बना जी, वो उसका सही में विश्वासघात है। वो विश्वासघात मतलब कुछ करके कुछ तो हासिल किए लेकिन ना, हाँ मुख्यमंत्री पद हासिल किया, मुख्यमंत्री पद। मगर सर उसमें आपको ये भी बात बता देता हूँ, अगर एकनाथ शिंदे जी को ये ऑफर देते थे कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनो इसमें तो वो भी बनते थे जी। वो ना नहीं बोलते थे, वो जो भी आप तैयारी तैयारी किया ही था जी। बीजेपी के साथ भी जाने को तैयार थे और इनके साथ बीजेपी के साथ तो मुख्यमंत्री भी होने को तैयार। तो उद्धव का ये एक प्रसंग छोड़ के उद्धव का पूरा इतिहास दिखा तो लोगों को दूर रखने का है, उनसे ज्यादा मिलनसार वो आदमी नहीं है, थोड़ा अंतर रखता है। मगर उसने ऐसा पवार साहब के इतिहास में 100 घटनाएं ऐसी है कि जिसमें उन्होंने विश्वासघात किए हैं। उद्धव ने उतने विश्वास नहीं थे, 1-2-3 बता सकता हूं मैं कि 2-3-4 पलटूराम कर सकते हैं इनको। हाँ मगर बेसिकली उद्धव जो है वो विश्वासघात की नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ
ये मैं बोल रहा हूँ जो एकनाथ शिंदे का खास दोस्त है, जो फडणवीस का खास दोस्त है, वो बोल रहा है, क्योंकि जो अभी जो सच की बात कर रहे हैं आप, तो सर आम जो शिवसैनिक है उसको अब भी लगता है कि शिंदे साहब ने गलती की, उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि मुझे दे दो मुख्यमंत्री पद और रहना चाहिए था मुख्यमंत्री, किनके साथ, राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी में रहना चाहिए था, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सामान्य आदमी को भी लगता है, मराठी आदमी के ये टूट गया। सर सहानुभूति की सुनामी मैं बोलूंगा आपको जी, सुनामी, ये मेरा जो ब्रीफिंग किसी दोस्त भी इसने नहीं किया है, मैंने देखा है लोग जिस तरह से उनके बारे में सोचते हैं। आज भी सर 10 मराठी आदमियों से मैं बात करता हूं और पूछता हूं कि कैसा लगता है तुमको ये शिंदे साहब अलग हुए और उद्धव जी, तो सर उनका मायूस हो जाता है चेहरा, बोलते उद्धव जी बहुत महान है ऐसा कोई बात नहीं है, पर उद्धव जी बाला साहब के पुत्र हैं एक, और बाला साहब मराठी आदमी के दैवत है दो, और तीसरी बात ये उचक के जो है बाकी सब इनसे वो कई गुना अच्छे है, क्योंकि कम से कम हिंदुत्व और मराठी आदमी के लिए कुछ तो उनका समर्पण है, योगदान है, और वो ऑनेस्ट है उसके बारे में, तो बुरा हुआ। अगर उनको पूछता हूं मैं, क्या वो ये नहीं कहते कि उन्होंने कांग्रेस एनसीपी साथ जाके सही किया या गलत किया? नहीं सर, कैसे है ना कि वो अगर मैं ऐसा उनको एक दूसरे एक दो तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को मैंने बोला कि भाई वो राष्ट्रवादी के साथ गए, बोले छत्ते साहब आप तो कम से कम इतने बुद्धिमान बुद्धिशाली होने के बाद ऐसा मत बोलो, 80 घंटे के लिए पहले वो तो गए ही थे ना, और आज तो पूरे साथ थे, तो आप बीजेपी के साथ मतलब राष्ट्रवादी के साथ उद्धव जी गए, इसके लिए उनको आप दोष दे कैसे रखते हैं? आपको देना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए कि 80 घंटे में इन्होंने तो अपना पूरा वसरण करके लिया था, बीजेपी ने गए थे उसके साथ। लेकिन सर 80 घंटे के इसलिए गए थे कि ये पीछे हो गए थे, अगर उद्धव जी जो है 2019 में आप विकास की तरफ नहीं जाते तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के तो लोगों ने वोट दिया ही था और दोनों सरकार बनना तय था। हाँ जब जब उद्धव जी ने सर आज कुर्सी के लिए नहीं, नहीं, आज फिर आया है जी, उन्होंने वो पोहरा देवी का एक ये है जी, बहुत पवित्र स्थान है बंजारा समाज का, वहां पे जाके उन्होंने शपथ ली हाथ रख के कि मुझे अमित शाह ने बोला था कि आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिलेगा, और इससे वो मुकर गए, इसका मुझे गुस्सा आया करके मैंने ये उनको सबक सिखाने सर, लेकिन के लिए बैठ के, ये बैठ के बातें हो सकती थी, बैठ के बातें नहीं हो रही थी ना, वो आड़े थे वहां दिल्ली में, दिल्ली से फोन नहीं कर रहे थे भाजपा सर, ये हम बोलते हैं फडणवीस बोलते कि 7 दिन मेरा फोन नहीं लिया जी, मगर शाह ने भी इनको कहा फोन किया, बाकी तो चलते रहते ना उनके फोन इधर उधर उधर, लेकिन सर इनको नहीं फोन किया। बताओ कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि सत्ता जो है बनते बनते बिगड़ जाए, कोई भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सर शिवसेना हो, बीजेपी चाहेगा कोई पार्टी टूट जाए हमारी। सर बीजेपी एक अलग पार्टी है, 2014 में जी बीजेपी ने एक सीट के लिए युति तोड़ दी, एक सीट युति तोड़ दी। आप बोलते हैं ना सत्ता के लिए तो कुछ करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ये मुद्दे पर सत्ता मतलब सत्ता बीता सब छोड़ो, 14 में इनके बहुमत में है, राष्ट्रवादी की मदद से वो ये जीते विश्वास मत पहली बार तो जी, तो एक वोट के लिए जिन्होंने युति तोड़ी वो सत्ता तोड़ने में कहा हम आगे पीछे रखेंगे आगे पीछे देखेंगे, वो तो किया उन्होंने। अभी चलो हम जरा थोड़ा करंट में आते हैं क्योंकि पुरानी बातें बहुत हो गई। सर आज भी लाखों लोग सबके इसमें हैं, आज भी मराठी समाज में जी, मराठी समाज बोल रहा हूँ, जिसके दिल में एक मराठी अस्मिता, एक मराठी के बारे में अपनापन और मराठी भाषा मराठी संस्कृति मराठी धर्म, सर मराठी भी एक महाराष्ट्र धर्म है जी, तो उसके बारे में अपनापन है और उसको अभिमान है सर, वो दिल से उद्धव के साथ जाएगा। शायद अपना स्वार्थ सर, दिमाग स्वार्थी होता है और दिल भोला भाला और समर्पित होता है। चलिए सर, तो दिमाग से वो शायद एकनाथ जी का इसी बात पर एक क्वेश्चन में कर लेता हूं आपसे कि अगर अभी चुनाव होते हैं अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस और सबको लेके शिंदे शिंदे ये तीनों साथ में लड़ेंगे, ये तो लड़ना तय है, कांग्रेस और शरद पवार शरद पवार जो दोनों बचे खुचे हैं और
कांग्रेस, ये तीनों एक साथ लड़ेंगे, तीन के वर्सेस तीन वर्सेस तीन, क्या लगता है आपको 288 में? सर 288 में आपने जो ये किया है ना, देखो दोनों को जी 25-30 सीटें कमी पड़ेगी, दोनों कम पड़ेगी, दोनों को कम पड़ेगी। ये भी 125 तक पहुंचेंगे, शिवसेना उगाठा कांग्रेस और ये मिलके, तीनों मिलके वो भी पहुंचेंगे, और ये भी 125 तक पहुंचेंगे, बाकी रहेंगे 20 अपक्ष, अपक्ष 20, दोनों को भी 20 की जरूरत है जी, मतलब बहुमत में कोई नहीं आ सकता, बहुमत नहीं मिलेगा। 100% बहुत बड़ी बात कही आप, 100% नहीं, जिस तरह भाजपा ने जो सत्ता तोड़ा है दोनों का सर, लोकसभा में और एक बात सोचो, लोकसभा में भी लोगों के मन में जो मराठा समाज है ना सर, और आज एक नई बात बताता हूँ, लोगों को भी अलग लगेगी सर, मराठी आदमी के मन में शिंदे साहब के गुट के बारे में ये गुस्सा है कि इन्होंने मराठी आदमी के एकजुट को तोड़ा, राज ने तोड़ा, उसका इतना गुस्सा नहीं है क्योंकि राज कुछ कर नहीं पाया, एक बड़ा माहौल नहीं बना जी, शिंदे साहब ने माहौल बनाया, शिंदे साहब 40 और वो खासदार वगैरह लेके गए, इसलिए उनको लगता है कि आहत होते हैं उनको कि भाई शिवसेना को तोड़ा। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ गुस्सा राष्ट्रवादी से ज्यादा बीजेपी के ऊपर है लोगों का, मेरे बीजेपी के भी जो दोस्त है वो बोलते हैं ये हलकट समाज, राष्ट्रवादी वाले हलकट, पाजी, भ्रष्टाचारी, इनके ऊपर कल तक हम बोलते थे कि इसने इतना करोड़ का, खुद मोदी 4 दिन पहले बोले कि 75,000 करोड़ ना, 70,000 करोड़ का उनको 2 दिन में अंदर ले लिया, अब सबके मामले खत्म। अभी वो बेचारा तुम्हारा नवाब मलिक अंदर बैठा है, नहीं तो वो भी मंत्री बन जाता था अगर उसको जामीन मिलता और वह बाहर होता ना, तो नवाब मलिक 100% मंत्री बन जाता था, और किरीट सुमैया बोलता था कि अभी इसका निर्णय तो कोर्ट लेगी, जब लेगी तब। सर भाजपा ऊपर लोगों का गुस्सा है, आए, आए, आए। राष्ट्रवादी को तोड़ा तुमने करके, मराठा समाज जो है, मराठा जो असल मराठा समाज है वो गुस्सा है कि हमारी पार्टी तोड़ी, क्योंकि राष्ट्रवादी मराठा समाज की पार्टी है और इनकी पार्टी मराठी आदमी की पार्टी है, तो मराठी भी गुस्सा है बीजेपी की ओर कि आपके राजनीति के लिए हमारा मराठा समाज आपने तोड़ दिया, मराठी समाज तोड़ दिया। भाजपा को धड़ा शिकावाला पाएगी, भाजपा को अकल दिखानी पड़ेगी, भाजपा को फटका दो। सर मेरे को आश्चर्य नहीं होगा जी कि अगर इस क्रम में सबसे बड़ी पार्टी करके उभर कर अजीत दादा की पार्टी आएगी। क्या बोल रहा हूं सुनो, यस यस, अजीत दादा की पार्टी नंबर 1 होगी, नंबर 2 पे भाजपा रहेगी विधानसभा में, विधानसभा में नंबर 3 पे कांग्रेस रहेगी, नंबर 4 पे उबाठा रहेगी, और नंबर 5 पे शरद पवार, नंबर 6 पे शिंदे साहब बचे तो वही, बचे तो वही, वो ऐसा अभी। सर मैं एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ, आपके मित्र के ऊपर ही भले आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, अगर उबाठा को आगे और भी सिंपटी लेना है, खाली एक आदमी को थोड़ा सा बैठा दे भाई, अगर शांत जो सुबह सुबह जो वक्तव्य करते हैं संजय राउत, तो मैं बोलता हूँ कि उबाठा सर और आगे जा सकते हैं मेरे ख्याल से। सर क्या है ना कि क्योंकि वो सर उनके अनाशनाप जो बयानबाजी है ये उबाठा का नुकसान कर रहा है, जो सिंपटी उनको आना चाहिए वो नहीं आ पा रही, क्या लगता है आपको? नहीं लगता? आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, संजय की वजह से नुकसान होता है, ये बात सच है, क्योंकि लोग खलनायक के रूप में देखने लगे हैं कि उन्होंने शिवसेना का नुकसान किया। मगर सर क्या है ना, उबाठा की ओर से बोलने वाला दूसरा कोई है भी नहीं है, तो वो ये तैयार करना चाहिए ना, वो ये है, वो 8 करोड़ का महाराष्ट्र सर, इसमें खाली संजय राउत उनको मिल रहे हैं सर, ऐसे नेता सर, कम से कम अभी मुझे और एक जवाब दो, आप मेरे से लड़ रहे तो, कि कम से कम इनको एक संजय राउत और वो सुषमा अंधारी तो मिली, शिंदे गुट को कौन मिला बताओ मुझे? 8 करोड़ के महाराष्ट्र, 12-14 करोड़ का महाराष्ट्र है, 12-14 करोड़ के महाराष्ट्र में शिंदे साहब को कौन प्रवक्ता मिला? मिला एक केसरकर प्रवक्ता है, नहीं वो दूसरा जो आजकल बोलता है संजय शिरसाट, वो क्या वक्ता है, वो प्रवक्ता है, मिला है भाई। चलो राष्ट्रवादी को कम से कम अमोल कोले और ये है
सर मैं संजय राउत क्या बचपन से ये सब बोलते हुए आ रहे हैं, तैयार करना चाहिए ना सर लोगों की, फेस बनाना चाहिए ना तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने, क्यों नहीं बनाया, दोनों को बनाना चाहिए, दोनों क्यों नहीं बनाया? संजय बना बनाया उनको मिला है, और तो 30 साल से वो सामना का संपादक है जी, है कि नहीं? तो बाला साहब के इसमें वो तैयार हुआ है करके वो बोल रहा है। सर उद्धव इतना निचड़ और इतना स्वार्थी है कि कल अगर उसको संजय के लिए अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता है तो वो पहले संजय को हकाल देगा, बोलेगा तुम अभी बोलना बंद करो, तुम नेता रहो और घर में रहो, एक मिनट नहीं रखेगा। अब क्या है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और क्या है ना कि उसको विरोधियों के ऊपर, मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, आप जी, जानते हैं जी, जी। और भौंकने के लिए जो कुत्ता चाहिए वो संजय के सिवा उसके पास नहीं है, ये बुलडॉग है, इस दिन भर भाव 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 करता रहता है, और गली का एक कुत्ता भूखा तो सारे भूखते हैं। लेकिन सर नुकसान तो कर रहा है ना उनका, उनका ही नुकसान कर रहा है ना, नुकसान कर भी रहा है मगर जिंदा भी पार्टी उसने ही रखी, नहीं तो उबाठा सर विस्मृति में जाती थी। ये एक साल में अगर आप देखेंगे जी, तो उद्धव का कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, वो आदित्य का कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, किसी और का भी कुछ नहीं है, खाली कोर्ट में लड़ रहे तो कार्यकर्ता तो अगर है, मैं ही बोला हूँ उसको बुलडॉग है उनका, और मैं भी ये बोलूंगा कि वो बुलडॉग होने के बावजूद वो कम से कम इधर कोई रहता है इतना तो पता चलता है, वाठा जिंदा है इसका एक ही पुरावा है कि संजय बोलता है, मतलब उनके बोलने को चर्चा में बना हुआ है, चर्चा में उबाठा बनी हुई है जी। वो तो है, वो निगेटिव रही है मगर उबाठा पॉजिटिव, तो आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है क्या है, पर इन बाकी के लोगों के पास तो एक संजय राउत भी नहीं है, सुषमा अंधारे भी नहीं है, उनके जो बोलने लगते हैं वो तो तुम्हारा केसरकर बोलता है सर, वो ऐसा चेहरा करता है, ऐसा लगता है अभी किधर मार खा के आया है या रेंडल से क्या है, ऐसा नीचे देखता है, कभी मीडिया की ओर नहीं देखेगा, फिर इधर देखता है और ऐसी बात करता है कि जैसे वो पड़वड़ भिंडी वगैरह की भाजी सब ऐसे संजय सिरसाट बोलता है, मगर वो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होनी चाहिए सर, अट्रैक्टिव 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 पर्सनैलिटी नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने में दम होना चाहिए। तुम गाली दी में, तुमने बोला फुलिया फुलिया, मैंने बोला चार फुलिया, ये नहीं होती है प्रवक्तागिरी। संजय के इसमें आप याद रखो, अभी फिर तुम्हारे लोग बोलेंगे उसमें मुद्दे रहते हैं सर, दिन भर वो मुद्दों की चर्चा होती है, इसके लिए उसका चलता है सर। ये हरामी है तुम्हारे टीआरपी वाले और ये सब, ये एक दिन में उसको खड़ा करेंगे, एक दिन उसका बयान नहीं दिखाएंगे, उनको मालूम है इसके एक सुबह के बयान पर दिन चलता है, करके कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है ना, संजय राउत का बयान अभी कुछ दिन पहले मैं आज तक में सुना था, वो बोले मीडिया को मैं कभी किसी को बुलाता हूँ नहीं, नहीं मीडिया को फोन करता हूँ कभी नहीं, कभी मैं उनको बोला हूँ, अरे वो जहाँ रहता है वहां जाके खड़े हो जाते हैं, उसकी वो आ जाते हैं तो हम क्या करें, क्या करें, बराबर है, बराबर है, उसको मेरा ख्याल नहीं सर। अभी सारांश में आते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 25 मिनट भी शायद हुए होंगे, हम बोलते तो बोलते ही रहते हैं सर। अभी ये याद रखो कि शरद पवार जी को कोई भवितव्य नहीं, और शरद पवार के साथ जिन्होंने अपना भवितव्य जोड़ा है वो सुप्रिया सुले को भी कोई भवितव्य नहीं, भवितव्य अगर है इन दोनों में से जो पार्टियां टूटी है तो उद्धव को है और आदित्य को है, सुप्रिया को और शरद पवार को नहीं है। अभी इनमें जो बाकी तीन बचे है उसमें नंबर एक का भवितव्य ऑफकोर्स फडणवीस और उनकी बीजेपी, नंबर दो अजीत दादा और उनकी राष्ट्रवादी, और नंबर तीन पे शिंदे साहब और उनकी पार्टी, ऐसा भवितव्य रहेगा सर। बोलते समय मुझे वेदना होती है मगर हमने सच्चाई का वादा किया है इनसे, करके बोल रहा हूँ मैं तो, शिंदे साहब का मेरा कितना गहरा दोस्ताना है आप जानते हैं, और वो मेरे वीडियो देखते हैं तो मुझे बोलेंगे भी वो, अरे का है माधा नंबर तीसरा टकला दू, मगर जो बात है वो है मित्रों, यही पे मैं नहीं सर, हम अगर तीसरा नहीं बोलेंगे तो फिर वो चौथे चले जाएंगे, नहीं वो चौथे चले जाएंगे, कभी उसको देवाल में तीसरे पाऊं तो दूसरे पाऊं पहले पे आऊंगा, नहीं कोशिश तो करेंगे, नहीं नहीं कोशिश कर रहे हैं सर, जी जान तोड़ के कोशिश कर, दिन रात काम कर रहे हैं वो। अभी ये अजीत दादा नहीं आते ना जी, तो शिंदे साहब फिर से मुख्यमंत्री 24 में पक्का बनते थे, वे अजीत दादा के आने की वजह से डाउट मुझे भी लगने लगा है, 100% डाउट है, और लोगों को भी तब तक रहेंगे, और उसके बाद अजीत दादा क्या कारतूत करेंगे क्या पता नहीं सर, अजीत दादा शरद पवार की भतीजे है, कुछ भी कर सकते, वो उबाठा और शरद पवार की ये और कांग्रेस मिलके और एक गठबंधन बनाएंगे जो कभी बीजेपी ने और शिंदे साहब ने सोचा भी नहीं था,
चलो देखते हैं क्या होता है। आज की चर्चा में हमने यही निष्कर्ष निकाला कि क्या भाजपा ने जो है दो क्षेत्रीय पार्टियों को यानी कि राज्य की पार्टियों को तोड़ के जो है अपना बदला सिद्ध किया है या अपना फायदा सिद्ध किया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और क्या भवितव्य होगा जो दोनों पार्टी टूटी है, बदला लिया है, फायदा हुआ है कि नहीं इलेक्शन। तो हमारा चर्चा अगर आपको पसंद आई हुई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देख रहा हूँ मैं सब्सक्राइबर बहुत स्पीड जो है बहुत, अभी ये रेगुलरली हमारा चालू हुआ है सिलसिला, तो आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने को क्या लगता है यार, पुटुक किया कि सब्सक्राइब हो जाता है, हमारे लिए बड़ी बात रहती है क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बढ़ता है। और आपसे तो पैसा लेते नहीं ना, तो कम से कम एडवर्टाइजमेंट का तो पैसा आने दो आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से। थैंक यू। चलो तो देश भर की राजनीतिक खबरों के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।